कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए देश भर के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर वैक्सीन तैयार की है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में तो लोगों को जानकारी मिली है, लेकिन क्या किसी को पता था कि वैक्सीन लेने के बाद शरीर चुंबक बन जाता है? जी हाँ, अब ये ताज़ा मामला आया है हुगली से। अब तक तो महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कई जगहों में ये मामला सुनने को मिल रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी आसनसोल के बाद अब हुगली से ये नया मामला सामने आया है। हुगली के कोन नगर में भी अब वैक्सीन लेने के बाद शरीर में धातु फंस रही है। जी हाँ, सिलीगुड़ी आसनसोल के बाद अब ताज़ा मामला ये आया है, वो है कोन नगर का, जहाँ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लेने के बाद कोई भी लोहे की चीज शरीर पर चिपकाने से वो चिपक जा रही है। कोन नगर के एमएस बोस इलाके के रहने वाले व्यापारी गौतम कुमार दे को कुछ दिन पहले टीका लगाया गया था। गौतम दे ने इन दिनों वैक्सीन लेने के बाद जो चुंबक शरीर बन रही है उसे देखकर इन्होंने खुद के शरीर पे भी वो चीजें ट्राई की और इसके बाद उन्होंने पाया कि हाँ, उनके शरीर में भी धातु की चीजें चिपक रही है। गौतम कुमार दे को कुछ दिन पहले टीका लगाया गया था। गौतम कुमार दे ने कहा है कि उन्होंने एक पारिवारिक अपने चिकित्सक से सलाह भी ली है और फिलहाल वे अभी दहशत में हैं, क्योंकि उनके शरीर में 10 रुपए के सिक्के के अलावा चाबी और सरसी भी चिपक रही है। कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए देश भर के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर वैक्सीन तैयार की है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में तो लोगों को जानकारी मिली है, लेकिन क्या किसी को पता था कि वैक्सीन लेने के बाद शरीर चुंबक बन जाता है? जी हाँ, अब ये ताज़ा मामला आया है हुगली से। अब तक तो महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कई जगहों में ये मामला सुनने को मिल रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी आसनसोल के बाद अब हुगली से ये नया मामला सामने आया है। हुगली के कोन नगर में भी अब वैक्सीन लेने के बाद शरीर में धातु फंस रही है। जी हाँ, सिलीगुड़ी आसनसोल के बाद अब ताज़ा मामला ये आया है, वो है कोन नगर का, जहाँ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लेने के बाद कोई भी लोहे की चीज शरीर पर चिपकाने से वो चिपक जा रही है। कोन नगर के एमएस बोस इलाके के रहने वाले व्यापारी गौतम कुमार दे को कुछ दिन पहले टीका लगाया गया था। गौतम दे ने इन दिनों वैक्सीन लेने के बाद जो चुंबक शरीर बन रही है उसे देखकर इन्होंने खुद के शरीर पे भी वो चीजें ट्राई की और इसके बाद उन्होंने पाया कि हाँ, उनके शरीर में भी धातु की चीजें चिपक रही है। गौतम कुमार दे को कुछ दिन पहले टीका लगाया गया था। गौतम कुमार दे ने कहा है कि उन्होंने एक पारिवारिक अपने चिकित्सक से सलाह भी ली है और फिलहाल वे अभी दहशत में हैं, क्योंकि उनके शरीर में 10 रुपए के सिक्के के अलावा चाबी और सरसी भी चिपक रही है।